उस रहे मंदिर मस्जिद ते लोको मर रहे ने बंदे मरिया खातर धर्मी बंदे ते लोको करन इकट्ठे चंदे जिस सूपी नू धर्म समझ के बई वट चाड़ दे जिस सूपी नू धर्म समझ के हो वट चाड़ दे आपा उसे ने ही हो बन जाना है कदे साडे गल दे फंदे उसर रहे ने मंदिर मस्जिद ते लोको मर रहे ने बंदे लोकी करने इकट्ठे चंदे ते का तू मर रहे ने बंदे। दोस्तों छोटे होंदे आपां ये सुनते आए हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन अज पूरी दुनिया के उत्ते जिधर भी झाती मार के देखो दंगे फसाद लड़ाइयां झगड़े कुछ लोग अपने मुफाद लई अपने फायदे लई अपनी कुर्सी लई अपने नफे की खातर बेकसूर लोगों नूं गुमराह करके लड़ा रहे ने कतलेआम करवा रहे ने जो कि बहुत ही निंदन योग है और बहुत ही गलत गल है। दोस्तों अगर देखा जाए तो दुनिया दे विच सिर्फ एक ही धर्म है जो नेचर ने बनाया जो उस परवरदगार ने बनाया तो वह धर्म है इंसानियत का धर्म। पूरी दुनिया से पूरे संसार से जिथे भी कोई इंसान जिंदा है तो वह इंसानियत का धर्म है। रब तो बाद अगर कोई शक्ति है तो वह इंसान है, जा ऐ कह लिए कि रब का रूप अगर देखना है तो वह बहुत सारे लोगों के विच उस मालिक का दर्शन होंदा है। ऐसे संत सूफी पकीर फकीर औलिए गुरु पीर होए ने जिन्हों असी अज रब करके पूजते हैं। सो इंसान की इज्जत करनी इंसान का एहतराम करना इंसान दे धर्म नू सत्कार देना साडा सारयां दा फर्ज बनता। हर इंसान का वक्खरा धर्म है उन्हों अधिकार है अपने धर्म नू वो पूजे अपने धर्म की हिफाजत करे। किसी के धर्म के बारे बोलना जा कोई कमेंट करना मैं समझदा है आम बंदा कदे भी इदा नहीं करता, लेकिन कुछ लोग होंगे है जिन्हां लोगों ने लोगों को गुमराह करके इदा दियां लड़ाइयां झगड़े करवा के अपने फायदे अपने नफे खटने होंगे है। सो मैं हाथ जोड़ के बेनती करूँगा कि अज जिहड़ा समा है वो करोपी जिहड़ी है कुदरत दी करोपी जो असीं गलतियां कीतियां उहदा भी सिट्टा असीं भुगत रहे हैं। तो इंसान वैसे ही बहुत दुखी है, इन्नी ज़्यादा महंगाई दुनिया से हो चुकी है तो आपां चाहिए कि आपां इन्हां गल्लां तो बाज आईए इन्हां गल्लां तो मुक्त होइए। हर इंसान नूं परमात्मा ने एक बड़ी खूबसूरत जिंदगी दित्ती है, इस जिंदगी दे विच तुसीं इंजॉय करो कम करो घूमो फिरो वधिया खाओ अपने परिवार नूं दे नाल इंजॉय करो अपने परिवार की परवरिश करो अपने परिवार के नाल टाइम वध तो वध बतीत करो। सो इस चीज़ तो आपां गुरेज करनी है इस चीज़ तो आपां बचना है। सो इन्नी क मैं बेनती करनी चाहूँगा तुहाडे कोल।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਚੈਨਲ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੱਧੂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਸੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਲਵਲੇ, ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ।